संसद के मानसून सत्र में लगातार हंगामे हो रहे हैं। इसी के बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी सोमवार को ट्रैक्टर चलाकर संसद पहुंचे। केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों का विरोध करते हुए राहुल गांधी ने दिल्ली की सड़कों पर ट्रैक्टर चलाया। वहीं इसके बाद अब विवाद खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। ट्रैक्टर को दिल्ली पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। सूत्रों के अनुसार यह खबर आ रही है कि जिस ट्रैक्टर को राहुल गांधी ने चलाया था उसे दिल्ली में छुपाकर लाया गया है। वहीं सूत्र यह बता रहे हैं कि इस ट्रैक्टर को दिल्ली में किसी ट्रक के अंदर छुपाकर लाया गया था और सबसे पहले इस ट्रैक्टर को किसी VIP शख्स के घर पर खड़ा किया गया था। क्योंकि ट्रैक्टर को ट्रक के अंदर छुपाकर लाया गया था, इस वजह से दिल्ली पुलिस को संसद के पास इस ट्रैक्टर के आने की कोई जानकारी नहीं मिली। वहीं बताया यह भी जा रहा है कि जिस ट्रक में इस ट्रैक्टर को लाया गया था उसको एक सांसद की चिट्ठी के कारण दिल्ली पुलिस ने रोका नहीं था और उस चिट्ठी में यह लिखा था कि इसमें सांसद से जुड़ा उनके कुछ घर का सामान है। वहीं ट्रैक्टर के विषय की जांच के लिए अब एक अलग से टीम गठित कर दी गई है और जिले के सभी CCTVों की जांच की जा रही है। ऐसी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए SPN9 न्यूज से। धन्यवाद।